बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा बेटा, हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था सोडियम वॉशिंग सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। और मैंने आपसे कहा था इसमें तीन मेजर टॉपिक्स हैं, एक कास्टिक सोडा है, एक सोडियम मेटल की एक्सट्रैक्शन है, और तीसरा टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहते हैं, और इसके जो मेथड का प्रोसेस है उसे अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस कहा जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। ये जो मेथड है इस प्रोसेस के जरिए, इसको हम कहते हैं सोडा इंडस्ट्री। एक्चुअली जो अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस है सोडा इंडस्ट्री है। देखिए, सोडियम के जो मेजर कंपाउंड्स हैं उनमें सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, और इसके अलावा जो है वो कास्टिक सोडा है। ठीक है, फिर सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट में कैटेगराइज आप करेंगे अगर, तो एक होता है सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम सोडा एश कहते हैं। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, और एक होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, जिसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो ये तीन आप सोडियम के कंपाउंड याद रखिएगा। एक सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस कहलाता है, कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके अंदर मौजूद नहीं होते, इसको हम कहते हैं सोडा एश, ये कहलाता है। एक सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड होता है, Na2CO3.10H2O, इसे हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। और एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा। ये तमाम एक ही मेथड से प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, पहले सोडियम बाइकार्बोनेट आता है और उसके बाद उसको हम कन्वर्ट करते हैं सोडियम कार्बोनेट में, और फिर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड में उसे कन्वर्ट किया जाता है। तो अब हम आते हैं अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस क्या है और इस प्रोसेस में हमें क्या क्या चीजें कैसे चाहिए। तो सोडियम कार्बोनेट की हम प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट सोडा एश इज कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय अमोनिया बाय सॉल्विंग अमोनिया सोडा प्रोसेस विच इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ NaCl NH4CO3। ये इसके रिएक्शन देखिएगा, आगे इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि एक्चुअली जो बेस करता है ये प्रोसेस जो है ये कहलाता है अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। और ये क्यों कहते हैं इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये जो बेस करता है ये सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन और अमोनियम कार्बोनेट के दरमियान रिएक्शन होता है। जब अमोनियम कार्बोनेट और ब्राइन के दरमियान रिएक्शन होता है तो हम ऑब्टेन कर लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। सोडियम बाइकार्बोनेट के माने क्या होंगे बेटा, ये कहलाएगा बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। एक्चुअली ये जो रिएक्शन है, ये जो अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से हम तीनों कंपाउंड ऑब्टेन कर लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट भी हासिल करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी हासिल करते हैं, और इसके अलावा हम इसके साथ साथ जो है वो हम ऑब्टेन कर लेते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। लिहाजा ये जो रिएक्शन बेस कर रहा है NaCl, ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। NH4CO3 जो ये अमोनियम बाइकार्बोनेट है कैसे आए, हम सारी बातें डिटेल से पढ़ेंगे। और इसके बाद हम इस अमोनियम का सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो हम सोडियम कार्बोनेट CO2 और H2 ऑब्टेन कर लेंगे। इसकी फर्दर क्रिस्टलाइजेशन की जाएगी तो हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड हासिल करेंगे। इसमें आमतौर पे कंफ्यूजन होती है, इसको फिर जरा ध्यान में रखिएगा। अगर सिर्फ सोडियम कार्बोनेट है, इसको मैं लिख देता हूं, आप इसको कॉपी करें, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा। ये देखिए, अगर हमारे पास ये ऐसा है बेटा, ये ऐसा है कि अगर आपके पास सिर्फ लिखा हुआ है, देखिएगा जरा, अगर लिखा हुआ है यहाँ पर NaHCO3, ये अमोनियम बाइकार्बोनेट है, इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम बेकिंग सोडा कहेंगे, ये बेकिंग सोडा कहलाएगा। एक होता है Na2CO3, इसे हम कहेंगे सोडा एश कहलाता है ये। और एक होता है Na2CO3.10H2O, इसे हम कहते हैं वॉशिंग सोडा, ये कहलाता है वॉशिंग सोडा। तो एक्चुअली हम इस प्रोसेस में
ओब्टेन करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जो आप देख सकते हैं। इस प्रोसेस में जो अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस है, हम इस प्रोसेस में एक्चुअली सोडियम बाइकार्बोनेट ओब्टेन करेंगे। इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हम कन्वर्ट करेंगे सोडियम कार्बोनेट में, और सोडियम कार्बोनेट को हम कन्वर्ट कर लेंगे Na2CO3.10H2O में, जो वॉशिंग सोडा। देखिए प्रोसेस में एक्चुअल हम क्या ऑब्टेन करेंगे, बेकिंग सोडा को हम कन्वर्ट किसमें करेंगे, सोडा एश में, और सोडा एश को हम कन्वर्ट किसमें करेंगे, वॉशिंग सोडा में। इसलिए जो अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस है, हम तीनों चीजें ऑब्टेन कर रहे हैं, पहले बेकिंग सोडा यानी अमोनियम बाइकार्बोनेट, फिर उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे, आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है, किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, सोडा एश में, और फिर सोडा एश को हम कन्वर्ट कर लेंगे वॉशिंग सोडा में। इस तरह अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस के जरिए हम तीनों कंपाउंड ऑब्टेन करते हैं। एक्चुअली ऑब्टेन क्या कर रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, इससे कन्वर्ट कर लिया जाएगा सोडियम कार्बोनेट, एंड देन सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड यानी वॉशिंग सोडा में। सही है बेटा। अब आते हैं प्रोसेस पर, ये प्रोसेस क्या है, जरा देखिएगा गौर से। इसके जो हमें सोर्सेज ऑफ मटेरियल चाहिए, एक तो हमें चाहिए ब्राइन। ब्राइन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और ये हम डायरेक्टली कहां से ऑब्टेन कर लेंगे, इसे हम सोडियम क्लोराइड सब सी वाटर से हम NaCl को ऑब्टेन कर लेंगे, उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे, वो ब्राइन कहलाएगा। सी वाटर से इसको हम ऑब्टेन कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन एंड लाइम किल्न। ये लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं, तो हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके ऑब्टेन कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में कैल्शियम ऑक्साइड हासिल होती है, उसको आगे यूटिलाइज करेंगे। अभी डायग्राम आएगी, इसको बहुत अच्छी तरह समझना है डायग्राम को। अमोनिया, इट इज रिकवर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस व्हेन अमोनियम क्लोराइड एंड क्विक लाइम इज स्टीम, क्विक लाइम इन स्टीम हीटेड इन रिकवरी चैम्बर। ये भी आपको समझ में आएगा। देखिए इसके लिए जो मेजर हमें चाहिए, एक तो हमें चाहिए ब्राइन। ब्राइन के माने क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी हमें NaCl चाहिए और क्या चाहिए, वाटर। दोनों हम ऑब्टेन कर लेंगे सी से, सी वाटर भी है और सी वाटर से ही ब्राइन जो है वो NaCl ऑब्टेन कर लेंगे। फिर हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हम ऑब्टेन कर लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे, तो हम ऑब्टेन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। हम क्या ऑब्टेन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन करेंगे। या आगे आपको केमिकल प्रोसेस समझ में आएगा। इसके बाद अमोनिया, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, जब हम प्रोसेस शुरू करते हैं, गौर से मेरी बात सुनना बेटा, जब हम प्रोसेस को शुरू करते हैं, तो उस वक्त हमें अमोनिया का एक खास अमाउंट चाहिए ताकि प्रोसेस शुरू हो जाए। और जब एक दफा ये प्रोसेस ऑन हो जाता है, ये प्रोसेस जो है वो चल पड़ता है टावर, तो उसके बाद जितनी भी अमोनिया चाहिए, वो अमोनिया हम यहां से खुद रिकवर कर लेते हैं। इसलिए चीपेस्ट प्रोसेस है और लो प्राइस में हम सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट हासिल कर लेते हैं। तो जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, जब हम प्लांट को स्टार्ट करेंगे, तो एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन हम इसमें अमोनिया इंक्लूड करते हैं, ऐड करते हैं, और जब ये प्रोसेस कंटिन्यू हो जाता है, तो जितनी अमोनिया की हमें रिक्वायरमेंट होती है, वो प्लांट खुद रिकवर कर लेता है उस रिक्वायरमेंट को। अब इसके बाद हम आते हैं इसके डिफरेंट स्टेप। देखें इस स्लाइड के बाद, जो भी हम इस वक्त स्लाइड डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद मैं आ जाऊंगा डायग्राम पे। डायग्राम क्योंकि बड़ी है, लिहाजा इस स्लाइड के दरमियान में उसकी पूरी स्लाइड है, उस डायग्राम का आपने स्क्रीनशॉट लेना है, अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, और अगली स्लाइड जो हम डिस्कस करते हैं, आप डायग्राम सामने रखोगे अगर तो आपको आसानी हो जाएगी। तो आपने डायग्राम प्रॉपरली समझना है बेटा। पहला स्टेप होता है अमोनिएशन ऑफ ब्राइन। पहला स्टेप देखिए आपके, फिर मैं बताऊं, नंबर वन हमें क्या चाहिए, ब्राइन। नंबर टू क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर थ्री क्या चाहिए, अमोनिया। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम पहले कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड।
यही कैल्शियम ऑक्साइड आगे जाकर अमोनिया की फॉर्मेशन करती है, वो आगे आपको पता चलेगा। अमोनिया जब स्टार्ट होता है तो अमोनिया हमें ऐड करना पड़ता है प्लांट में, लेकिन जैसे ही प्लांट स्टार्ट हो जाता है, रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस अमोनिया का जो भी अमाउंट है वो प्लांट खुद रिकवर कर रहा होता है, खुद प्लांट तैयार कर रहा होता है। ब्राइन हम ऑब्टेन कर लेते हैं सी वाटर से NaCl, सी वाटर से वाटर, इनका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे, हम ऑब्टेन कर लेंगे ब्राइन। सही, इसको अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। स्टेप नंबर वन, अमोनिएशन ऑफ ब्राइन। ब्राइन के माने क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अमोनिएशन के ब्राइन में हम अमोनिया गैस को एंटर कर रहे हैं, एक मिक्सर तैयार कर रहे हैं ब्राइन का और अमोनिया का। एक मिक्सर हम तैयार करते हैं ब्राइन का और अमोनिया का। 28% सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज अलाउड टू फ्लो इन अमोनिया एब्जॉर्बर व्हेन अमोनिया गैस इज पंप्ड इनटू ब्राइन एंड गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन नोन एज अमोनिकल ब्राइन। एक्चुअली ब्राइन का अमोनिएशन ऑफ ब्राइन के माने क्या है कि हम ब्राइन में अमोनिया गैस को एब्जॉर्ब करके एक मिक्सर तैयार करते हैं जिसको अमोनिकल ब्राइन कहा जाता है, जिसको हम अमोनिएटेड ब्राइन भी कहते हैं। अमोनिकल ब्राइन के माने क्या है? इसमें तीन चीजें, एक अमोनिया है, एक वाटर है और एक क्या है, NaCl। ब्राइन के माने सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl और इसमें फिर अमोनिया गैस एब्जॉर्ब करके एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया जाता है अमोनिया गैस का, वाटर का और NaCl का, जिसे अमोनिकल ब्राइन कहा जाएगा। इस पॉइंट को जहन में रखो, कॉपी अगर तुम्हारे सामने है तो आप कॉपी पर लिख लें, अमोनिकल ब्राइन इज इक्वल टू क्या माने होंगे, NH3 प्लस NaCl प्लस H2O। ये आगे क्वेश्चन जब आती है तो वहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता था, आप इसको लिखें, अमोनिकल ब्राइन के क्या माने होंगे, NH3 प्लस H2O प्लस NaCl। ये इन तीनों का जो मिक्सर होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होगा, उसे अमोनिकल ब्राइन कहा जाएगा। ये स्टेप अमोनिया एब्जॉर्बर टावर में किया जाता है। इस प्रोसेस को अमोनिएशन ऑफ ब्राइन हम कहते हैं। द इंप्योरिटीज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन ब्राइन आर सेपरेटेड एज कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड बाय पासिंग इट थ्रू अ फिल्टर। अच्छा, क्योंकि हम इस ब्राइन को कहां से ऑब्टेंड करें, सी वाटर से, तो सी वाटर के अंदर जो है, सी वाटर के अंदर जो है वो कैल्शियम भी है, सी वाटर के अंदर मैग्नीशियम भी है, तो इसको हम फिल्टर से पास करते हैं। और फिल्टर क्या करता है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और अमोनिकल ब्राइन आगे मूव कर जाएगी। इसके अंदर आप मुझे बताएं बेटा, यहां तक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है जल्दी से मुझे बताओ, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके बाद हम इसके डायग्राम डिस्कस करेंगे। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को, जल्दी जल्दी बोलो बेटा, बोला करें आप ये ऑफ करें अपने जो है वो, जल्दी से बताएं, शाबाश, अनम्यूट करें और मुझे बताएं। अरे अब किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? पक्का? एक ही बच्ची की आवाज आई मुझे यार, बाकी सब सो रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन है? गनिया, ये कौन है? अभी किसने बोला था? जयवंती ने बोला था, माहीन, लाइबा, मारिया, मिल्हा, जयवंती, अलीजा, अरीबा, बिस्मा, प्रॉब्लम है किसी को? नो सर, क्लियर है। चले, क्लियर है, गुड। अब आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि अमोनिएशन ऑफ ब्राइन के माने अमोनिया, वाटर एंड सोडियम क्लोराइड, ये जहन में रखना। अगला स्टेप हम देखते हैं बेटा, और अगले स्टेप से पहले जरा ये देखिएगा, ये आपके सामने दो डायग्राम्स आ रही है, ये प्लांट है अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस का। अब जरा इसको आपने अच्छी तरह से समझना है बेटा कि इसमें ये है क्या क्या। देखिए, ये पहला जो टावर है ये अमोनिया एब्जॉर्बर टावर है, सेकंड टावर को कार्बोनेशन टावर कहा जाता है और इसे सॉल्वे टावर भी कहते हैं। सेकंड को, ये सेकंड अंदर से कैसा है,
ये आपको यहाँ नजर आ रहा है, देखिएगा जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा केमिकल रिएक्शन यहाँ हो जाएगा। मैं रिएक्शन यहाँ पे आपको समझा दूंगा डायग्राम के साथ, और इसकी डिटेल फिर अगले स्टेप्स में आ जाएगी। रिएक्शन समझ लो, क्योंकि जब अगली स्लाइड आएगी तो डायग्राम हट जाएगी। लिहाजा आपने सबसे ज्यादा फोकस यहाँ करना है, यहाँ सारे रिएक्शन मौजूद है, ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आगे अगले स्टेप्स आपको समझा दूंगा, रीड कर दूंगा। सारा प्रोसेस यहाँ पर है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोनेशन टावर, जिसको सॉल्वे टावर भी कहते हैं। कार्बोनेशन टावर को सॉल्वे टावर भी कहा जाता है। ये सॉल्वे टावर अंदर से ऐसा होता है, ये जो आपको, ये आपको जो ट्राइंगल की शक्ल में नजर आ रहे हैं, इसको बफल्स प्लेट्स कहते हैं, ये कहलाती हैं बफल्स प्लेट्स, ठीक है बेटा। और ये मूव कर रही होती है लाइक अ फैन, ये बहुत बड़ा सा टावर होता है और इस तरह फैन रोटेट कर रहा होता है, ये प्लेट्स भी लाइक अ फैन रोटेट कर रही है। आप बहुत अच्छी तरह फोकस करना बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं, जिससे बच्चों को प्रॉब्लम होती। पहले मैं आपको चैम्बर्स बता दूं, सबसे पहला चैम्बर अमोनिया एब्जॉर्बर टावर, ठीक है जी। दूसरा चैम्बर कार्बोनेशन टावर, जिसको हम सॉल्वे टावर भी कहते हैं। तीसरा चैम्बर है ये लाइम टावर कहलाता है, ठीक है ना। और चौथा जो चैम्बर है ये अमोनिया रिकवरी टावर कहलाता है। ये चार चैम्बर्स पर अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस का पूरा प्लांट मौजूद है। पहला अमोनिया एब्जॉर्बर टावर, इस टावर के अंदर, अमोनिया एब्जॉर्बर टावर के अंदर हम क्या करेंगे, यहां से ब्राइन सॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस कराया जाता है बेटा, और इसके साथ अमोनिया गैस। जब प्लांट स्टार्ट होता है तो अमोनिया गैस को हम इस टावर में, अमोनिया गैस को हम इस टावर एक्सटर्नली ऐड करते हैं। अमोनिया गैस को इस टावर में एक्सटर्नली ऐड किया जाता है, लेकिन जब प्लांट स्टार्ट हो जाता है, रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, तो अमोनिया इस रिकवरी टावर से, आप देखें एरो बना हुआ है, इस रिकवरी टावर से अमोनिया जो है वो इस अमोनिया एब्जॉर्बर टावर में आ रही है। गौर से देखना बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, हमें ब्राइन में अमोनिया गैस ऐड करनी है, तो हम पहला वाला टावर जो है इसमें अमोनिया गैस को ऐड करवाते हैं एक्सटर्नली। जब रिएक्शन शुरू हो जाता है, प्लांट स्टार्ट हो जाता है, तो जो आखिरी चैम्बर है अमोनिया रिकवरी टावर नजर आ रहा है बेटा, यहां से आप देखिए ये एरो जा रहे हैं, और ये एरो जो है वो कहां पर आ रहे हैं, अब इस अमोनिया एब्जॉर्बर टावर में, यहां पर आकर ये ऐड हो जाएगा अमोनिया गैस, ये प्लांट खुद रिकवर करेगा। पहला स्टेप अमोनिएशन ऑफ ब्राइन, पहला स्टेप अमोनिएशन ऑफ ब्राइन, अमोनिया गैस को एब्जॉर्ब किया जाता है ब्राइन में। एक हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं, इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अमोनिकल ब्राइन कहा जाता है। इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अमोनिकल ब्राइन हम कहते हैं, और इसमें अमोनिया, वाटर और NaCl, ये आ गया पहले चैम्बर में। क्योंकि हम ब्राइन सी वाटर से ऑब्टेन करने लगे, बहुत सारे मिकदार में मैग्नीशियम और कैल्शियम है, तो इस ब्राइन को हम यहां से फिल्टर करेंगे। जब फिल्टर करेंगे तो ये फिल्टरेशन के दौरान कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट की शक्ल में, और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की शक्ल में यहां से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। और हमारे पास प्योर फॉर्म में क्या बचेगा, अमोनिकल ब्राइन हमारे पास जो है वो प्योर फॉर्म में मौजूद है। अब इस अमोनिकल ब्राइन को हम भेजते हैं सेकेंड टावर में। सेकेंड जो टावर है ये कहलाता है कार्बोनेशन टावर, ये कहलाता है कार्बोनेशन टावर, और ये इसको मगर सीक्वेंस बना दूं बेटा, ये हमारा पहला टावर, ये नंबर वन टावर ये बेटा, और इसके बाद सेकंड अगर हम देखें, सेकंड जो है ये हमारे पास सेकंड टावर जो है, ये सेकंड टावर ये है, ये नंबर टू टावर है, और इस टावर को हम कहते हैं, इस टावर को जो है वो हम सॉल्वे टावर भी कहते हैं, इसको जो है वो सॉल्वे टावर भी कहा जाता है। इसे हम सॉल्वे टावर भी कहते हैं,
ठीक है बेटा, ये टावर जो है ये कहलाता है सॉल्वे टावर भी ये कहलाता है, ओके, ये सॉल्वे टावर कहलाता है और इसमें ही सारा जो रिएक्शन है वो इस टावर के अंदर ही सारा रिएक्शन होता है। सॉल्वे टावर में सारा रिएक्शन जो है वो सॉल्वे टावर में होगा, ठीक है। तो अब यहां से आप देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा अगर हाईलाइट करने की कोशिश करूं तो यहां से जो ब्राइन है, जो यहां से ब्राइन है, ये ब्राइन जो है बेटा, ये जो ब्राइन है यहां से ब्राइन मूव करती है और ये मूव करती हुई ब्राइन जो है वो जनाब इस जगह देखें कि इस जगह ये ब्राइन जा रही है, ये ब्राइन है, ये जो है वो ब्राइन है, ठीक है, ये ब्राइन है और ये ब्राइन अमोनिकल ब्राइन जो इसको हम कहां मूव कर रहे हैं, इस अमोनिकल ब्राइन को हम मूव कर रहे हैं सॉल्वे टावर। इससे पहले सॉल्वे टावर में आ रही है, अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा बेटा, यहां से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इससे पहले इस वाले टावर में जो लाइम कैल्शियम कार्बोनेट तुम्हें नजर आ रहा है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके हम ओब्टेन कर लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे और इसको हीट करके हम क्या ओब्टेन करेंगे, इसे हीट करने के बाद हम ओब्टेन कर लेते हैं, इसे हीट करने के बाद हम ओब्टेन कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड। ये अच्छी तरह देखिएगा बेटा, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। इस थर्ड टावर में, जो थर्ड टावर है, इस थर्ड टावर में नंबर थ्री है बेटा, ये नंबर थ्री है। इस थर्ड टावर में, थर्ड टावर के अंदर हमने क्या ओब्टेन कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से आ रही है और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको भेज दिया जाता है, कहां पर इसको भेज दिया जाता है, सॉल्वे जो है वो टावर में, ये नीचे से ऊपर जा रही, कार्बन डाइऑक्साइड को हम नीचे से ये ऊपर की तरफ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगी। ये अच्छी तरह से समझना, अच्छी तरह समझना, कार्बन डाइऑक्साइड नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ये जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड। ये यहाँ पर CO2 जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ तैयार हुई, यहां से इसको हमने भेज दिया कहां पर, कार्बोनेशन टावर में, सॉल्वे टावर में, और यहां से ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है और ऊपर से नीचे क्या आ रहा है बेटा, अमोनिकल ब्राइन। ये बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझिएगा, इस मैंने कहा ना डायग्राम समझ में आ गई तो पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। और से देखिएगा बेटा, फिर सुनिएगा, फिर देखिएगा। सबसे पहले अमोनिया एब्जॉर्बर टावर में ब्राइन और अमोनिया गैस को मिक्स कर लिया गया, अमोनिकल ब्राइन आ गया। इस अमोनिकल ब्राइन को हम कहां भेज रहे हैं, इस अमोनिकल ब्राइन को हम कहां भेज रहे हैं बेटा, इसे हम भेज रहे हैं कहां पर, इसे हम भेज रहे हैं कार्बोनेशन टावर में। ये अमोनिकल ब्राइन यहां से कहां जा रही है, कार्बोनेशन टावर में, और एक्चुअली कार्बोनेशन टावर में जो अमोनिकल ब्राइन है वो ऊपर से नीचे आ रही है और नीचे से ऊपर क्या जा रहा है यहां पर, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको ध्यान में रखना बेटा, अमोनिकल ब्राइन आगे कार्बोनेशन टावर में, कार्बन डाइऑक्साइड आगे कार्बोनेशन टावर में, डायरेक्शन तुम्हें नजर आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड नीचे से ऊपर और अमोनिकल ब्राइन कहां से आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है। अब जरा एक चीज यहां पर क्लियर कर लो कि यहां देखिएगा दूसरे वाले डायग्राम में, इसको बनाने की रीजन ये कि यहां पे आप देखिएगा, यहां पे अगर आप नोट करें, यहां पे अगर आप नोट करें इस डायग्राम में, तो ये जो अमोनिकल आपके सामने जो टावर नजर आ रहा है, सॉल्वे टावर, इसमें ये प्लेट्स तुम्हें नजर आ रही है, ये प्लेट्स फैन की तरह से रोटेट करें। अब जरा सा आप इमेजिन करें कि यहां ये 1, 2, 3, 4 ये प्लेट्स लगी हुई है, ये प्लेट्स आप इमेजिन करो कि आपके सर के ऊपर पंखा है, उस पंखे के नीचे एक और फैन है, उसके नीचे एक और फैन है, उसके नीचे चार फैन आपके कमरे में, चार फैन ऊपर से नीचे लगे हुए जो रोटेट कर रहे हैं। जरा सा इमेजिन करो कि ऊपर से नीचे की तरफ क्या चीज आ रही है बेटा, ऊपर से नीचे की तरफ क्या चीज आ रही है, जो अभी मैंने आपसे कहा था अमोनिकल ब्राइन के माने क्या है,
कि ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो उसमें आपके पास NH3 है, ऊपर से नीचे की तरफ NH3 है, इसके साथ जो है इसके साथ क्या है H2O है, इसके साथ H2O है, और इसके साथ क्या है, इसके साथ जो है वो NaCl है, Na और Cl है। ये तीन चीजें ऊपर से नीचे आ रही है बेटा, ये तीन चीजें ऊपर से नीचे आ रही है, बार बार कह रहा हूं डायग्राम समझ में आने चाहिए, ये तीन चीजें हैं जो ऊपर से नीचे आ रही है, देख लीजिएगा आप जरा, ये तीन चीजें ऊपर से नीचे आ रही हैं और नीचे से ऊपर CO2। अब जरा गौर से मेरी बात सुनो, इमेजिन करो, ऊपर फैन है, ऊपर से NaCl और H2O नीचे आ रहे हैं, पंखे से टकराएगा, पंखा चल रहा है, मूव कर रहा है, तो क्या होगा, ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन जो है ये पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगा, सोल्यूशन क्या होगा पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगा, और छोटे छोटे इसके पार्ट्स हो जाएंगे, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और इसे रिएक्शन फास्टर होगा। इस तरह जो CO2 गैस है वो नीचे से ऊपर जा रही है, ये भी स्प्रेड हो जाएगी, छोटे छोटे बबल्स में टूट जाएगी, सरफेस एरिया बढ़ेगा और रिएक्शन फास्टर होगा। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अमोनिया के साथ रिएक्ट कर जाती है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और फॉर्म कर लेती है अमोनियम कार्बोनेट। क्या फॉर्म कर लेगी, अमोनियम बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइ, ये आपको आगे समय नजर आएगा, पहले सब समझिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिएक्ट करेगी अमोनिया से इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, पहले स्टेप में अमोनियम कार्बोनेट बनेगा, पहले स्टेप में, सिर्फ मेरी बात गौर से सुनना बेटा, पहले स्टेप में अमोनियम का, और ये बाद में रात में इस वीडियो को एक दो दफा देखिएगा, कल हम कल ये टॉपिक दोबारा पढ़ेंगे तो आपको बात ज्यादा समझ में आ जाएगी। पहले स्टेप में CO2 गैस नीचे से ऊपर जा रही है और ऊपर जाकर पहले स्टेप में ये अमोनिया और H2O के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करेगी अमोनियम कार्बोनेट, फिर अमोनियम कार्बोनेट का फर्दर रिएक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, हम ऑब्टेन कर लेंगे अमोनियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट का फर्दर रिएक्शन होगा और हम ऑब्टेन क्या कर लेंगे, अमोनियम बाइकार्बोनेट हम ऑब्टेन कर लेंगे। ये सारा प्रोसेस कहां पर हो रहा है, सॉल्वेंट टावर में या कार्बोनेशन टावर में, ये जो अमोनियम कार्बोनेट है इसको यहां से फिल्टर करके अलग कर लेते हैं अमोनियम कार्बोनेट को, अमोनियम कार्बोनेट को फिल्टर करके क्या करेंगे, अलग कर लेंगे, ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट को हम फिल्टर करके अलग कर लेंगे और अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। पहले स्टेप में क्या होगा बेटा, पहले स्टेप में क्या हो रहा है गौर से सुनिएगा, पहले स्टेप में NH3 और H2O अमोनिया से रिएक्ट करेंगे और अमोनियम कार्बोनेट बनाएंगे, फिर अमोनियम कार्बोनेट दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाएगा, ये अमोनियम बाइकार्बोनेट NaCl से रिएक्ट करेगा और फॉर्म कर लेगा सोडियम बाइकार्बोनेट और NH4Cl, ठीक है बेटा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा और क्या बना लेगा NH4Cl। लिहाजा सारा प्रोसेस सॉल्वेंट आवर में हो रहा है, पहले स्टेप में, फिर से सुनिएगा, पहले अमोनियम कार्बोनेट, फिर अमोनियम बाइकार्बोनेट और फिर सोडियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट कैसे बनेगा कि अमोनिया और वाटर CO2 से रिएक्ट करेंगे अमोनियम कार्बोनेट और CO2 रिएक्ट करेंगे अमोनियम बाइकार्बोनेट NaCl से मिलेगा, हम ऑब्टेन करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। ये जो अमोनियम क्लोराइड है इस अमोनियम क्लोराइड को, अच्छा सोडियम कार्बोनेट जो है बेटा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट हम यहां से फिल्टर करके ऑब्टेन करेंगे, इसके बाद आपको आगे बताया जाएगा, फिल्टर करके ऑब्टेन कर लेंगे और यहां से जो NH4Cl है, इस NH4Cl को हम यहां से मूव करवाते हैं और इसको अमोनिया रिकवरी चैम्बर में या टावर में भेज दिया जाएगा NH4Cl को, और यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड, हमने क्या ऑब्टेन किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यहां पे आ जाएगी और NH4Cl के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाएगी। ये अमोनिया यहां से देखें होता हुआ आ रहा है
और इसको अमोनिया एब्जॉर्बर टावर। लिहाजा सोडियम बाइकार्बोनेट का सारा प्रोसेस कहां पर हो रहा है? सॉल्वेंट टावर में। सॉल्वेंट टावर से हम क्या ऑब्टेन करेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट और NH4Cl। इस NH4Cl को हम कहां भेज देंगे? अमोनिया रिकवरी टावर में, जहां पर इसका रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ होगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इसके साथ रिएक्ट करके फॉर्म करेगी अमोनिया। और ये जो अमोनिया है इसको यहां से कहां भेज दिया जाएगा? अमोनिया एब्जॉर्बर टावर में भेज दिया जाएगा। इस तरह हम ओपटेन क्या कर रहे हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट कहलाता है बेकिंग सोडा, और इसको इसके जरिए हम सोडा एश और सोडियम कार्बोनेट ओपटेन कर लेंगे। वॉशिंग थोड़ा हम कल के टॉपिक में इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। लिहाजा इस तरीके से हम अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस के जरिए तीन कंपाउंड्स को ओपटेन करते हैं। पहले सोडियम बाइकार्बोनेट को, इसको कन्वर्ट किया जाता है सोडा एश में, और इससे फिर कन्वर्ट किया जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, जिसको वॉशिंग सोडा कहा जाता है। अब फिर देख लें नंबर थ्री और ये नंबर फोर। ये जो टावर आपको नजर आ रहा है ये टावर नंबर फोर है, फिर जरा आप नोट कीजिएगा, इसमें चीजें नोट करो बेटा। सबसे पहले पहले टावर में क्या बन गया? NH3H2NaCl यहां भेजेंगे ऊपर से नीचे। इस थर्ड टावर में CO2 इसको भेज दिया, देखें यहां पर CO2 नीचे से ऊपर रिएक्शन होगा। पहले स्टेप में क्या बनेगा? अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट एक्सेस CO2 के साथ मिलकर बनाएगा अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट NaCl के साथ मिलकर फॉर्म करेगा सोडियम कार्बोनेट एंड NH4Cl। ये जो NH4Cl है इसको अमोनिया रिकवरी टावर में भेजेंगे, और यहां से जो थर्ड टावर में से हमने क्या ऑब्टेन किया हुआ है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी हम कहां भेजेंगे? इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी हम कहां भेजेंगे? अमोनिया रिकवरी टावर में। और यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और NH4Cl के दरमियान रिएक्शन होगा और हम ओपटेन कर लेंगे अमोनिया। इनके दरमियान रिएक्शन से हम ओपटेन कर लेंगे अमोनिया जो है वो हम ओपटेन कर लेंगे। इस अमोनिया को जो है वो यहां से फिर भेज दिया जाता है कहां पर? पहले चैम्बर में, जहां पर हमें अमोनिया की जो अमाउंट चाहिए उस अमाउंट से अमोनिया को हम यहां पर दोबारा से अमोनिकल ब्राइन में कन्वर्ट करते हैं। ये पूरा सॉल्वेंट टावर है, इसमें सारा जो रिएक्शन होता है वो होता है सॉल्वेंट टावर में। लिहाजा इसी वजह से हम इस प्रोसेस को अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस का नाम देते हैं, कि एक्चुअल जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं ये तमाम के तमाम केमिकल रिएक्शन जो हैं वो सॉल्वेंट टावर में होते हैं। ये एरोज आप इसके स्क्रीनशॉट लें, एरोज मैंने बनाए हुए हैं, इन एरोज से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ से ये चीज तैयार होकर यहाँ भेजेंगी ऊपर से नीचे आएगी, यहाँ CO2 है नीचे आके ऊपर की तरफ जाएगी। इनके रिएक्शन से हम तीन स्टेप्स में, पहले अमोनियम कार्बोनेट, फिर अमोनियम बाइकार्बोनेट, और उसके बाद सोडियम कार्बोनेट एंड NH4Cl। सोडियम कार्बोनेट को आगे कन्वर्ट करेंगे, अगला स्टेप है, NH4Cl को अंदर भेज देंगे अमोनिया रिकवरी टावर में। यहां से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको भेज देंगे, और इन दोनों के रिएक्शन से हम ओपटेन क्या करेंगे? अमोनिया। और इसके बाद इस अमोनिया को जो है वो फिर हम ये चौथे टावर से इस अमोनिया को हम कहां भेज देंगे? पहले टावर में इस अमोनिया को हम भेज देंगे। इस तरीके से ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है, और हम पहले स्टेप में ओपटेन कर लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम कहते हैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। उसके बाद उसे हम कन्वर्ट करते हैं सोडा एश में, और फिर सोडा एश को हम कन्वर्ट कर लेते हैं वॉशिंग सोडा में सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। क्योंकि सारा प्रोसेस ये सॉल्वेंट टावर में हो रहा है, इस वजह से इसको अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं।
अगर डायग्राम समझ में आ गई आप लोगों के, तो जो चीजें हमने यहाँ पर डायग्राम में डिस्कस की हैं, यही इसके अगले जो स्टेप्स होंगे वो यही होंगे। अब मुझे बताओ बेटा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई बात पूछनी हो आप लोगों को? जो आप सही जब... सही है जो फोर्थ स्टेज के अंदर यहाँ लिखा हुआ है अमोनियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। सो ये अमोनियम बाइकार्बोनेट जो मौजूद है इसका क्या होगा? अमोनियम बाइकार्बोनेट नहीं, अमोनियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा NaCl से, सही है बेटा? और NaCl yes, से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? देखिये NaCl, NaCl और NH4CO3, ये बनाएगा NaHCO3 और NH4Cl। अमोनियम बायकार्बोनेट NaCl से रिएक्ट करके बनाएगा सोडियम बायकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड, जो उसको यहाँ रिकवर करेंगे। ठीक है बेटा? ओके सर।